उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार का कृषि विभाग जैविक यौगिक खेती के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के विशिष्ट किसानों व अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय भेजेगा। प्रत्येक ग्रुप में 40 अधिकारी व किसान शामिल होंगे। जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक 3 ग्रुप्स में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रत्येक ग्रुप में 40 अधिकारी व किसान शामिल होंगे। गौरतलब है कि यूपी सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों का दल तपोवन में संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा हो रही जैविक और यौगिक खेती के भ्रमण के लिए आया था, जिसे देखकर वे काफी प्रभावित हुए और उनके अनुशंसा पर ही ये अधिकारी व किसान प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। शांति, कृषि और ग्राम विकास प्रभाग की गतिविधियों को जानने के बाद हमने उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक, यहाँ के कृषि मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सभी को बताने की कोशिश किया कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, ये वही काम है जो सरकार चाहती है। तो इन लोगों ने इसको समझने के बाद ये पाया कि ये काम जो ब्रह्मा कुमारीज कर रही है, ये सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये काम किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए कर रही है। किसान का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से सशक्तिकरण हो, ये कार्य सरकार नहीं कर पा रही है। तो इन्होंने हमारे साथ मिल करके, हमको सहयोग दे करके हर कार्यक्रम में शामिल होना शुरू किया और बहुत सारे अधिकारियों को कई ग्रुप मधुबन भेजे, वहाँ पर जो ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस थी उसमें भेजे। तो पिछली जो कॉन्फ्रेंस अभी जून 2023 में हुई, तो उसमें हमारे यहाँ से 15 अधिकारी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए और वो सभी अधिकारी तपोवन भी देखने के लिए गए और एक नाइट स्टे किया वहाँ पे। नाइट स्टे करके वहाँ की गतिविधियों को जाना और समझा कि ये जो तपोवन में यौगिक खेती का मॉडल फॉर्म बना है, ये किस तरीके से विकसित हुआ है और इसमें क्या काम कर रहे हैं जो ये प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। आज की इस विशेष खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।